हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। तो यहाँ की वाइब्स और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश से केदारनाथ। तो अभी हम चलते हैं ऋषिकेश तो आगे, अब हम चलते हैं केदारनाथ। अरे वो सब आगे, पीछे मैं रह गई हूँ। आगे अभी हमें जाना है केदारनाथ। फाइनली मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, दोनों तो मस्त घूम रहे हैं। हमारे बैग वाले ही रहे, ये सब बैग पकड़ने वाले हैं। हम दोनों मस्त घूमने वाले। गाइज जो हमारे साथ में थे ना, उनका बैग क्या हमारे साथ में ही छूट गया, तो उनका कॉल आया था कि बैग पहुंचा देना, तो ये हेल्प कर रहे हैं। और अभी हमें यहाँ पे मिल गए हैं गाड़ी वाले भैया, जिनसे हम बातें कर रहे थे कि गाड़ी की क्या प्राइस है, कैसे है। हाँ तो गए हैं, पर यहाँ पे अभी तक वही सीन है, हमें अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली है यार। और अभी तक डिसाइड में ही कर रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अगर आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको ये सब लोग मतलब इनकी रेट तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई सी हो रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फाई सी हो रखी है। पर यहाँ पे देखो ये सब, ये भैया वगैरह सब यहाँ पे खड़े ही रहते हैं गाड़ी के लिए, पर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे आके। और ये अभी हमें बोला है कि आपको छोड़ के आएंगे और वापस लेके आएंगे, मतलब 3 दिन और रुकना भी पड़ेगा, तो हम 15,000 लेंगे आपसे। पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं कम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता, क्योंकि हम फर्स्ट बार आए हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे सब बातें ही हो रही हैं इन लोगों की, कुछ यहाँ पे मीटिंग हो रही है, कुछ वहाँ पे मीटिंग हो रही है, पता नहीं है हमें तो अभी, क्योंकि हम अभी तक सब छोटे छोटे हैं, हमारे साथ बड़ा कोई नहीं है। हमारा फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। हमें बस मिल आगे पीछे, चलो चेंज करते रहना आगे पीछे। आया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और ये हमें अंकल लेके आए हैं भैया। अभी यहाँ पे हो जाए फिर चलते हैं, फिर रवाना हो जाते हैं। और फिलहाल तो हम कहीं आए नहीं, तुम माले यहाँ से 2 तारीख को ना, 3 तारीख को वहाँ पहुँच, 3 तारीख ऊपर चढ़ाई कर लो, 4 तारीख को दर्शन जाना। इन अंकल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाई है। आप में से कोई भी ऋषिकेश जाए ना तो इन अंकल को बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं। मैंने नंबर वगैरह सब दे रखे हैं, आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और गाइस हम थोड़ा ही दूर चले ही नहीं, हमें मिल गया बहुत बड़ा ट्रैफिक, मतलब एक ही लाइन में एक तरफ की गाड़ियाँ आ रही थी और एक तरफ की गाड़ियाँ जा रही थी, मतलब क्या ही बोले, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ही टाइम वेस्ट हुआ है। हम तो इतने खुश हो रहे थे कि मतलब कब पहुँचे कब पहुँचे, मतलब कितने 2 घंटे का रास्ता हमारा बन गया था, 5-6 घंटे का रास्ता, इससे मतलब क्या ही बोले, इससे ज़्यादा इतना तो ट्रैफिक। फाइनली केदारनाथ के लिए रवाना तो हो रहे हैं। यहाँ का मौसम अभी टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ है, 12:55 हो गए और यहाँ का मौसम ऐसा है जैसे शाम हुई है ऐसा लग रहा है। और यहाँ की गाड़ियाँ देखो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ऊपर की साइड है ना, राफ्टिंग के लिए ज़्यादा जा रहे हैं लोग, इसीलिए अभी तक तो हम यहीं पर ही हैं ऋषिकेश में ही। ये यहाँ पे बस फोटो शूट कर रहे हैं इधर, और गाड़ियाँ तो भाई पूछो ही मत। मैं कहती हूँ यहाँ पे ज़्यादा जरूरी देखो राफ्टिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए पहाड़ देखो कितनी बड़ी बड़ी पहाड़। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे कर रहे हैं, उसके बिना आपको ऊपर भी नहीं जाने देंगे। और मेरी फेवरेट गाड़ी जो आपको नहीं पता होगी तो भी बता देती हूँ, वो रही थार। गाइज हम थोड़ा दूर चले तो हमें ये मिल गया तूफ़ान, तो हमने तूफ़ान से भी सामना कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था।
मतलब जैसा जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे मौसम भी चेंज हो रहा था। पता नहीं कैसे इतना वेदर चेंज हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। हर बार बार चेंज हो रहा था। देख रहे हैं तो लोग गाइस, हम तूफान से सामना किया ही था, अब बारिश भी आ गई। रही कसर इसने पूरी कर ली, अब हमें बारिश में भी भीगना पड़ना पड़ा। मतलब भीगना क्या, मतलब हम सारे वेदर देख रहे थे, कभी धूप कभी क्या, कभी क्या कभी क्या। मतलब अभी तो हम ये भी सोच रहे थे कि अभी आगे बढ़ेंगे और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। और बाद में तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि पहाड़ से पत्थर जो नीचे गिर रहे थे ना, तो उसका डर था। बाकी तो और तो कुछ नहीं, बारिश हो रही है। मौसम इतना ज़्यादा अभी सोके उठा है। अब हम इधर आए लेने के लिए, क्योंकि बारिश भी हो रही है और हमें पक्का पता है कि वहाँ पर बर्फ और सर्दी भी ज़्यादा होगी, बारिश भी होगी। इसीलिए हम पहले से सब बंदोबस्त करके रख रहे हैं, तभी ठीक रहेगा। आगे 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 वो उधर था। चलो हम सब आए हैं। ये मोटू सा पांडू आ गया है। ये तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। कैप लेते नहीं सके हमने, पेन से देखते मैंने, ब्लैक कलर लेने मेरे तो आ ही नहीं रही है। नहीं इसको बड़ी करनी पड़ेगी। गाइस अब हम रेन कोट लेने यहाँ पे आए हैं। ये भैया रेन कोट दिखा रहे हैं अभी फिलहाल, तो यही ले। ठीक है तीन पीस ही है। ठीक है ठीक है तीन पीस ही दिखा रहे उधर। सॉरी हाँ रख दे, एक फिटिंग में आएंगे सारे। ये अच्छा है, थैंक यू भैया। ये फिट भी है, मिल जी छह पीस। हाँ मिल जाएंगे। तो ये भैया छह पीस दिखा रहे हैं। रेट क्या है? रेट 300 बोल रहे हैं। 300 लगेगा। रुको राहुल जी सिंह, मेरे को एक बार पेन के ट्राई करने दे, थोड़ा छोटा है भैया, बड़ा नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, यही ठीक है। मैंने पेन पेन के ले लो ना, सब साइज सेम है। भैया आपको डर नहीं लगता इधर? लो भैया इसको पैक कर दो। पकड़े तो हम ये रुक जाओ, मैं व्लॉग बना। गाइस हमने इन भैया के पास लिए है वैसे रेनकोट, और ये इनकी शॉप है, नाम तो अभी पता नहीं है, बाहर ही होगा। हाँ कैरी बैग दिया, क्या बोल रहे? कैरी बैग दिया है, दिया है। हाँ और ये मस्त बारिश हो रहा। गाइस अभी हम यहाँ पे फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लग चुका है जाम बहुत बड़ा। वहाँ पर भी गाड़ियाँ फंस चुकी है और यहाँ पर भी। अब पता नहीं ये ट्रैफिक कितनी देर तक रहेगा। झलक रही है सामने से। जी ड्राइव करेगी गाइस, अभी यहाँ की गाड़ियाँ तो स्टार्ट हो। अंदर कोई पीछे ट्रक वाला आया ना, भजेड़ा दे नहीं। और अभी यहाँ से गाड़ी निकल रही है और ये वापस बंद करेगा। काश तो 2 मिनट रुको ना, तो फिर बस जा रही गाइस। ये एक जगह, हाँ हाँ एक जगह का भी, अभी एक जगह कहीं जा रहे हैं। हमारी लाइन तो अभी यहीं भी पड़ी है। ये जो लोकेशन है ये पूरा जंगल है, और ये हम जंगल के अंदर फंस गए अभी फिलहाल। तो पौधे के ऊपर कुछ हाथ दिख रहा है, वाइट था। अभी गाड़ी स्टार्ट हो रही है यहाँ की। मतलब हम रुके हैं पूरा 1 घंटा, हम इस जाम में रुके हैं 1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटे तक रुके हैं। और यहाँ की गाड़ी अभी तक फंसी हुई है और बारिश भी हो रही है। और यहाँ से आंटी जी है जो रास्ते के बीच में आ रहे हैं, और ये देखो ये फिर से जाम। अभी वो देखो वहाँ तक पूरा लगा हुआ है, थोड़ा बहुत भी नहीं है, पूरा दूर दूर तक ले जाता है। और इतनी धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है। तो पूरा जंगल है गाइस, रात को तो आप करो ही मत ट्रैवल, इतना हो सके सुबह के टाइम निकला करो। जाम तो पता नहीं कब तक रहेगा। चलो गाइस मिलते हैं आगे। हम आ चुके हैं होटल के अंदर। इस होटल का नाम क्या वैसे? हनुमंता रिसोर्ट। हनुमंता रिसोर्ट हम यहाँ पे आए रुके हैं अभी फिलहाल, और बहुत ही अच्छे ही है। बेड 2-2 मिल गए हमको सोने के लिए। अब क्योंकि थके हुए हैं, मस्त पहले सो जाएंगे, तो मस्त स्नान करके खाना खा के फिर सोना। सोना ही है अभी तो। गाइस तो गाइस मैंने सोचा कि मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर, लेकिन मैंने ना लिया ना, मैंने ठंड लगी थी, लेकिन अभी ठंड बहुत कम लग रही है। नहाने के बाद तो बहुत कम ही लग रही है। जैकेट वैकेट पहन लिया है, और ये भी मस्त हो गए। पायल कुछ बोल रही थी, तो ये बाहर का व्यू है जहाँ पे अभी अंधेरा हो रखा, और रात के बजे हैं 10।
और हमने ऐसी जगह ली है पूरी सुनसान सी। पायल के रूम में देखते क्या करें। ये देखिए राहुल जी मस्त कपड़े सुखो रहे हैं और ये बंदी कितने देखना थोड़े ये बैठी तैयार हो रही है अभी फिलहाल मेरी नहीं है सब क्योंकि नानी के बाद में अभी सर्दी बहुत कम लग रही है ना इतनी बाल दो ऊपर काले उके लेकिन ऊपर बाल धोई ले तो हमें दो बाल पागल है दिमाग खराब है क्या इसको अक्कल वक्कल दो थोड़ी बहुत अभी हमने खाना नहीं खाया अभी हमारा खाना बन चुका है तो अभी हम खाना खाने जाएंगे लेकिन अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे भाइयों का क्योंकि वो भी अभी नहा रहे हैं इसलिए तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और इतनी भयंकर सर्दी है ना पूछो मत हद से ज्यादा यहाँ पे सर्दी है और ये एक रूम ले रखा जी ने दांत भी ऐसे कट 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 कर रहे हैं इतनी सर्दी लग रही बहुत भयंकर सर्दी है यहाँ क्या खाना खाने के लिए आ गई दोनों गुड मॉर्निंग तो अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम भी और अभी हम करेंगे पहले तो नाश्ता और फिर यहाँ से हो जाएंगे चेकआउट कर लेंगे रूम से फिर चलते हैं आगे का सफर स्टार्ट करते हैं अभी तो फिलहाल यहीं पर ही है मस्त और यहाँ का मतलब रात को तो इतना अच्छा व्यू नहीं दिख रहा था लेकिन अभी का व्यू देखो यहाँ का एकदम शानदार से भी बहुत ज़्यादा शानदार सा हो रखा है मतलब जितना बोलो उतना कम है बहुत ज़्यादा यहाँ से कई कई जगह पे झरने भी हो रहे हैं और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और यहाँ का व्यू देखो और अभी तो जी कर रहा है खाना वाना नाश्ता जो सबसे पहले बैठ गया ये अभी हम को चलना पड़ेगा ठंडी पराठे तो इतनी सर्दी नहीं है अभी तक तो फिलहाल हम नीचे हैं अभी हमें और चढ़ेंगे ऊपर करनी पड़ेगी अभी तक तो फिर देखते हैं कितनी सर्दी होती है कितनी नहीं होती है अभी तो फिलहाल नहीं है तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता करके इस खाने में पराठे प्याज के ये देखे भैया प्याज के पराठे ये मस्त बैठ गया खाने के लिए तो ये बैठ गया है अभी भैया परोस रहे हैं मस्त तो गाइस अब हम मस्त बैठ गए खाने के लिए और ये खाना परोस रहे हैं और यहाँ का खाना भी अच्छा ही है ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है और यहाँ के यहाँ पे हर चीज़ अच्छी है हमें बहुत चीज़ें अच्छी मिली है खास करके यहाँ पे रखने वाले भी और भी ज़्यादा अच्छे हैं जो हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं हमारा खास करके हमारी वाइफ है जो हमें देख देख के जीती है और इसको देख के हम जीते हैं और इसकी स्मेल पे हम फिदा हो चुके हैं पहले से यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है तभी जैकेट पहना है अभी हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया है अभी हम जाना है ऊपर चढ़ाई चढ़ने क्योंकि रात बहुत हो रखी थी तो हम यहाँ ही पर हो गए और ये भी हो गए यार मस्त अभी चलते हैं यहाँ की चढ़ाई इतनी भारी पड़ रही है हमको चढ़ा नहीं जा रहा है और ऊपर केदारनाथ में हमें पैदल चलना गाड़ी कैसे घूम रही है हाँ ऊपर क्यों ढंग से बांधो ना ये हमारे वाइफ न्यू सिंह है इनके पैर में दर्द हो रहा है तभी जूते खोल रहे हैं और पहन रहे हैं अभी खोल के पहने और ये यहाँ का व्यू है ये यहाँ का व्यू है नीचे खाई है अब चढ़ाई चलनी पड़ेगी यहाँ की इतनी है अपन चलेंगे वहाँ पे कितनी होगी यहाँ की इतनी चढ़ाई है वहाँ पे और ऊपर है देखो अभी हम तक यहाँ से निकले ही हैं तो ये होटल थी यहाँ की यहाँ से हम निकले हैं और अभी यहाँ पे देख लो जाम लग गया यहाँ तक पूरे तक जाम ही जाम लग गया है और ये अभी हमारी गाड़ी है इस गाड़ी में अभी हम आए हैं और ये अंकल है जो हमें लेके आए हैं हाय करो अंकल अंकल जी है जो सबसे अच्छी गाड़ी चलाते हैं अगर आपको किसी को बुक करना है ना तो इनके पास आना सबसे अच्छी गाड़ी चलाते हैं इस पहाड़ों में
और ये यहाँ का व्यू। नंबर लिख देना। हाँ वो तो मैं रखूँगी। पूरा जाम लगा रखा है, सारी बसें रुकी हुई है, सब चीज। नहीं नहीं रोड कैसी है, मतलब रोड तो ऐसे पैदल गए थे आप? कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा? ऐसे तो चलने वाला हो तो ज्यादा टाइम नहीं लगे, और ऐसे धीरे धीरे जाओ तो टाइम। आप लोग कितने टाइम लगे, मतलब आप कितने घंटे पहुँचे ऊपर? कब रवाना हुआ, कब तक पहुँचे? सुबह हुए थे, कब हुए थे? सुबह जल्दी हुए थे ना रवाना? मॉर्निंग में हुए थे। बर्फ गिरा से पर वो कम गिरा और पानी बहुत गिरा। अच्छा अभी तो हानि धूप रहेगा जब तो नहीं। उम्र क्या है, उम्र गाइस अभी हम रवाना हो रहे हैं। भगवान करे हमारी जर्नी अच्छी रहे, बहुत ज्यादा अच्छी रहे, और ऊपर जाके आप पता चलेगा कि क्या चीज है, कैसे। आज इनकी एनिवर्सरी है गाइस, कमेंट भर दो इनके लिए। और हमारे साले साहब पीछे बैठे हैं, 30 तारीख और इनकी एनिवर्सरी है, इसीलिए हम केदारनाथ आए एनिवर्सरी। यहाँ की हवा इतनी एकदम जन्नत जैसा महसूस हो रहा है। फिर से ट्रैफिक में फंस चुके हैं, पीछे तक देख लो पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक हो रखा है। इतनी बड़ी लाइन है वहाँ पीछे, और ये आगे आगे देख लो इतनी बड़ी लाइन है। अगर केदारनाथ के लिए निकलो तो जल्दी निकलना करो, वरना तो ट्रैफिक में फंसेंगे। आती रहती चाहे सुबह हो कुछ भी हो। नहीं ये कुछ दूसरा मैटर चल रहा है। अच्छा मैंने सोचा इस पर अंकल जो मतलब आपने भी उससे पहले हो रखा ना। सुन के देखो। अरे यार जी स्मेल इसमें आ रही है। हाँ, कैसी आ रही है ये देखो, खुशबू आ रही है ये उसके हाथ में। बाबू भैया क्या प्राइस है इस डब्बी की? क्या प्राइस है? 250 रुपए की डब्बी है। 250 रुपए की डब्बी है गाइस। इनके पास केसर है, उसके हाथ में रखा और फिर इसकी मुट्ठी बंद की और ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया। हाँ फिर इसके यहाँ पे बहुत बढ़िया खुशबू आने लगी। फिर और इसके मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। गार्डन हो गया और इन्होंने भोगट की केसर खा ले। कितना डब्बी पूछ बता रहे भैया दूध की बनाई के साथ अपन की भाषा में अमल बोलते हैं, लोग खाते हैं खाने के बाद में, गिरने के बाद में खाली करो अमल। चलो देखो गाइस यहाँ पे गाड़ियाँ फंसा दी है, इन्होंने फंसाई है, एक भैया ने, और ये देखो सब गाड़ियाँ बाप ने जवा जवा की फिर आने वाले यार, सारी गाड़ियाँ फंस चुकी है। दिख रहा तुझे आगे से? और इन भाइयों के एक एक जूते मारने में मेरा कहना बाकी किसी का नहीं कर रहा है। सच में मुझे कुछ बहुत अच्छा है। उतर जाओ, ढोके हो जाओ। मस्त यार। ये फोन करता पीयूष ऊपर देखो यहाँ पे एक अच्छा लेके जा रहे हैं, इतना सारा सामान डाल के ऊपर। नाम क्या है भैया इसका? इसका नाम तो होगा, नाम नहीं रखा? क्या नाम है? तिवारी। गाइस इसका नाम तिवारी है, इसका नहीं है, ये अंकल का है इनका। इसका नाम तिवारी है, इनका नाम तिवारी। कच्चर का नाम है, आपका नाम है? मेरा नाम नीरज, इसका नाम तिवारी। अच्छा आपका नीरज, इसका तिवारी। तिवारी बना दिया इतनी देर में, पूछ के तिवारी तिवारी क्या? ये खच्चर है ना? खच्चर है सारे, बड़े कान वाले पूरे खच्चर ही होते हैं ना। ये सब आप केदारनाथ लेके जाओगे ऊपर? ये सब केदारनाथ लेके जाएंगे गाइस, देख लो। क्या प्राइस है इनकी ऊपर तक लेके जाने की? प्राइस कितने लेते हैं खच्चर के, एक जाए एक आदमी के? हाँ
फाइनली हम आ गए सोन प्रयाग और सोन प्रयाग से हम जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड के लिए रवाना होंगे। अभी गाड़ी लगा लिया है फिलहाल पार्किंग में और फिर अब यहाँ से रवाना होंगे। और यहाँ की नहीं लग रही है, नॉर्मल नॉर्मल सी ठंड लग रही है जो लग रही है। और यहाँ पर इन दोनों की बहस हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, हम आ चुके हैं सोन प्रयाग। और सोन प्रयाग में यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मतलब हम करवा के आए हैं लेकिन यहाँ पे स्कैन होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वापस जाना पड़ेगा, वरना इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा के बाद में यहाँ पर आना, वरना आपको आगे नहीं जाने देते, आगे आपको रोक देते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है वरना आगे जाना अलाउड भी नहीं है। अब हम यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड, वो भी 5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ेगा यहाँ से फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाएगी। जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ होगी वही जा सकती है, वरना कोई नहीं जा सकती। हमको यहाँ पे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा और फिर वहाँ पे गौरीकुंड में ही हमें देखना पड़ेगा क्या है कैसे है। तो अभी हमें निकलना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए और गौरीकुंड है 5 किलोमीटर और वहाँ तक जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो इतना मतलब सांस का प्रॉब्लम होता है जिसको होता है वो थोड़ा ध्यान से, मेरे को तो है तभी मैं तो वैसे डर रही हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ भोले बाबा से मिलना है तो फिर कोई बात नहीं, इस ओके इतना तो चलता है, अब जो भोले बाबा करेंगे वही ठीक है। वाओ गाइस, यहाँ का मतलब देखो तो कितना मस्त पानी आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे ये सब कच्चे रुपये जा रहे हैं। इतने इधर से इतना हम कितना 400 मीटर जाए जाते हैं। वो भी यार देख लो मेरे क्या सांस में है ना, पीछे देखो मस्त चढ़ना से बैठ रहा है। और ये मेरे जीजू राहुल जी और ये व्यू छोले वाले हमारे छोले भुजे वाले हैं, चलते हैं दूसरे तरफ मार के बहुत अच्छे भैया। दिमाग तो पिपा घड़ी दे 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 तुमके साथ चलना भैया, बाहर से देखते रहो अंदर से खाते रहो, सीधे पार हो जाता है। हां तड़का मार के रास्ते का मार चल रहा है, कंपनी का प्रचार चल रहा है, जनता का फायदा हो रहा है। अरे गोपाल भाई का बहुत यूट्यूब पर हरा लाल पीला देखा है लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं आपका क्या नाम गोपाल है? हां देखो गोपाल चाट भंडार। ओहो चाट भंडार गाइस जो भी आए इनके पास आके जाना एक बार। गोपाल भाई के एक बार खाओ, बार बार आओ, बार बार आओ। सही है सही है, तड़का मार के भैया नींबू का हम ले लेते हैं। ये पानी का वाव है।